हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लग गए होंगे। तो दोस्तों देखिए, आपका एग्ज़ाम तो बहुत ही जल्द होने वाला है, 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ऑफिशियल तो कुछ नहीं है, बाकी देखते हैं 6 फरवरी से होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। इन्वायरमेंटल स्टडी जो आपका सब्जेक्ट है, जो कि सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो इसका आज हम मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। और 2023 में आप यहाँ से मान के चलिए, अगर जो भी विद्यार्थी अभी तक पढ़े नहीं हैं, तो उनका यहाँ पे 25+ नंबर तो आ ही जाएगा इसको देख करके, इस चीज़ को देख करके। बाकी जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उनका 40+ आने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी कुछ टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एग्ज़ाम में, देखिए एग्ज़ाम में केवल पढ़ने से नंबर नहीं आते हैं, एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए आपको अच्छा लिखना भी आना चाहिए। जो लिखने का ढंग है वो भी आना चाहिए, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। बाकी टिप्स के बारे में आपको लास्ट में बताते हैं। बाकी चलिए देख लेते हैं मॉडल पेपर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका कोई मॉडल पेपर नहीं है, आपका इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में इन्वायरमेंटल स्टडी का, वो हमने आपको क्वेश्चन वहाँ हमने मतलब आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तो वो आपका एक प्रकार से मॉडल पेपर का काम करेगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था इसके पहले 2022 में, इसी टाइप से पूछा गया था कि 2 घंटा 30 मिनट का टाइम था यहाँ पे, और आपको 50 नंबर यहाँ पे करना था। और देखिए, आल क्वेश्चन को करना है यहाँ पे, और जो भी डाटा है बोथ वर्जन में, भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों जो है वर्जन को आपको देख लेना है, डाटा को मैच करा लेना है। और देखिए, मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें आपको मालूम है कि यूज़ नहीं करना है, नॉट अलाउ है। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या किस टाइप से पूछा गया है कि अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई दो पार्ट आपको करना है। पहला यहाँ पे है डिफाइन, सॉरी दोस्तों, पहला क्या है यहाँ पे, डिफाइन इकोलॉजी सिस्टम एंड इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। रिसोर्सेज ऑफ रिनेबल नॉन रिनेबल एनर्जी, और देखिए बी वाला पार्ट है यहाँ पे कि रिनेबल और नॉन रिनेबल एनर्जी क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। और सी वाला पार्ट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, 1986 जो अधिनियम था इन्वायरमेंटल से संबंधित, वो क्या था उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप ए बी सी तीन पार्ट आप देख चुके किस टाइप से क्वेश्चन नंबर 1 में किस टाइप से यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है और सेकंड चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन के आया है। और दोस्तों देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज के बारे में पूछ लिया, रिनेबल एंड नॉन रिनेबल का, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन मन पूछ सकता है कि इनके अंतर के बारे में बता दीजिए, अंतर पूछ सकता है, या फिर जो है वर्गीकरण करिए दीजिए, जो आपकी आपकी एनर्जी है उनका जो है आपको वर्गीकरण करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी देखिए, आपका अगला यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो दोस्तों, ये अगर आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, तो आपको पास तो आप तो अच्छे से हो जाएंगे, आप हम आपको गारंटी लेते हैं आप पास अच्छे से हो जाएंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से, क्योंकि हमारा मानना है ये हम ऐसे नहीं मतलब फुल फुल बोल दे रहे हैं, क्योंकि इसके पहले देखा गया है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता था। क्योंकि बीटीयूपी क्या करता है दोस्तों, बीटीयूपी क्या करता है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। तो ये सब थ्योरिकल पार्ट हैं, थ्योरिकल क्वेश्चन है, इनको बार बार क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। तो इनको आप पढ़ के जाइएगा, ताकि जो है बढ़िया से आपके एग्ज़ाम में नंबर आ पाएँ। देखिए, अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई दो पार्ट आपको करना है। पहला है कि डिफाइन एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, प्लांट एंड एनिमल। तो देखिए, जितनी पॉल्यूशन आपके, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, इन सब के बारे में लिखना है, क्या प्रभाव पड़ते हैं प्लांट पर, मनुष्यों पर, एनिमल पर, तो इन सब कुछ चीज़ों को आपको देख के जाना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बना था। बाकी आप भी से देख सकते हैं कि काजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो वाटर पॉल्यूशन था उसके कारण क्या हैं, सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन, कि देखिए वाटर पॉल्यूशन के क्या सोर्स हैं और इसके निवारण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट देख सकते हैं कि डिफाइन द प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट, तो वाटर ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखना है। बाकी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप से पूछा गया है। बाकी हम आपको टिप्स अभी लास्ट में बताते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। देखिए, अटैम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, कोई दो पार्ट आपको करना है। पहला है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमेन, देखिए जो भी डिफरेंट प्रकार के सॉलिड वेस्ट थे, अपशिष्ट पदार्थ थे, उनके बारे में लिखना है।
और एनिमल और ह्यूमन में क्या प्रभाव दिखता है उसके बारे में आपके यहाँ पे लिखना है। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी क्या है कि व्हाट इज़ द नॉइस पॉल्यूशन, तो नॉइस पॉल्यूशन क्या है, डिस्क्राइब इफेक्ट ह्यूमन। तो देखिए हमने आपसे बताया कि जितने भी प्रकार के क्या है पॉल्यूशन आपकी चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं उसको पढ़ के जाना है, उसको क्या करना है पढ़कर जाना है, और जो भी प्रभाव है मनुष्यों पर और किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है उन सब चीज़ों को आपको बढ़िया से देख के जाना है, तभी आपके अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। बाकी देखिए सी क्या है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन बीओडी सीओडी, बीओडी और सीओडी के बीच में क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है, इसको आप पढ़ के जाएगा कि कई बार पूछा गया है। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है और किस प्रकार से इसके पार्ट दिए गए हैं। देखिए कोई दो पार्ट इसमें भी करना है, पहला दिया गया कि व्हाट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके क्या इफेक्ट हैं इसके बारे में आपको लिखना है। और देखिए वाला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस बार ही पूछा ही जाएगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन भी क्या है कि डिफरेंट मेथड ऑफ मिनिमाइज नॉइस पॉल्यूशन, देखिए नॉइस पॉल्यूशन के कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं उनको आपको लिखना है। और सी वाला क्या है कि एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981, देखिए एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 क्या है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। बाकी चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो ही पार्ट इसमें भी करना है, पहला है ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा है डिफ्लेशन एंड ओजोन लेयर क्या है, एसिड ड्रेन एंड इट्स इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसके क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, तो इसको आपके बारे इसको पढ़ के जाना है। तो दोस्तों देखिए ये जो क्वेश्चन ए बी सी करके आया है ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़िएगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है हर बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर इतना भी हमने आपको बताया है, यहाँ पे इन सबको बढ़िया से पढ़ के जाना क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ए बी सी करके आ गया तो मतलब ए बी सी करके ही आएगा, हो सकता है ये सी वाला जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन बन जाए, तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 ए वाला ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए वाला क्वेश्चन बन जाए या फिर ये वाला जो है इसका बन जाए। तो इस प्रकार से इसको अगर इन सबको पढ़ के जाएंगे तो आगे पीछे करके पूछेगा तो आप जो है इसको कर ले जाएंगे काफ़ी अच्छे से, तो मतलब वो कहने गए हैं कि आप इसमें अच्छे से नंबर से 25+ मार्क इसमें अच्छे से ला पाएंगे। बाकी इसका आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं, चलिए दिखा देते हैं आपको क्या है। देखिए हिंदी अनुवाद में कुछ ये लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इकोलॉजी और इको सिस्टम को परिभाषित कीजिए और रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है उनकी व्याख्या कीजिए, प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पर्यावरण के लिए था उसके बारे में बताया गया है। तो यही चीज़ जो है इंग्लिश में था वो हिंदी में यहाँ पे लिखा गया है, जिसको हिंदी वर्जन देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ दे रखी हैं, बाकी अब टिप्स के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है ताकि जो है आप अच्छे नंबर ला पाएँ। 20+ करके रुपये मिलते हैं तो उसको उतना टाइम नहीं होता है कि वो थ्योरी आपकी पढ़ेगा बढ़िया से देखेगा, तो आपको क्या करना है पहला काम क्या करना है आपको हेडिंग अच्छे से लिखना है, हेडिंग को बढ़िया से पढ़ के जाना है और उसको अच्छे से लिखना है। और क्या करना दोस्तों, अगर कोई मान लेते हैं कोई भी चीज़ ऐसा आ गया, कोई टर्म ऐसा आ गया जिसको आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं तो आप डायग्राम बना करके उस चीज़ को समझा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम से क्या होता है दोस्तों काफ़ी चीज़ें काफ़ी अच्छी समझ में आ जाती हैं, तो एग्जामिनर अगर उस चीज़ को देखेगा काफ़ी अच्छा उसको प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। तो हेडिंग को बढ़िया से करके जाना है और क्या करना है डायग्राम को भी अच्छे से, अगर कोई जिसमें भी डायग्राम ज़रूरी है कोई ऐसा टर्म आ जाता है तो उसमें डायग्राम आप करके आइएगा। और देखिए पहली चीज़ क्या है इसमें कि जो दूसरा हम यहाँ पर बता दें आपको, दूसरी चीज़ क्या है कि जिससे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है तो जो भी आपका पहला और दूसरा पेज होता है उस पर आपको बहुत ही अच्छा लिखना है ताकि एग्जामिनर जब आपका पहला क्वेश्चन देखे तो वो प्रभावित हो जाए। तो काफ़ी अच्छे से इसको करना है, पहले और दूसरे पेज को अच्छे से भरना है, जो भी क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन में से जो भी क्वेश्चन आपको बढ़िया से आ रहा 100% इसमें हम अच्छे से कर ले जाएंगे, तो पहले वही करना है पहले और दूसरे पेज पे, ताकि जो है एग्ज़ामिनर अगर चेक करे तो उस पर जो है काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिले उसको कि हाँ ये विद्यार्थी पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक है। तो इस चीज़ इस प्रकार से आपको इसमें करना है, बाकी जो हमने इसमें बताया है इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडी में बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस क्या करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम ऑन करना पड़ेगा, पॉलिटेक्निक क्लास के नाम से टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पर आप जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लगे रहिए,
बाकी जो भी एग्ज़ाम से अपडेट होगी एग्ज़ाम से संबंधित उसको हम बताते रहेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।